गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7th. एज यू नो आवर थर्ड चैप्टर डेसिमल इज रनिंग. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4th. सबट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से देखिएगा. सबट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 43.875 एंड 53.9 from the sum of 29.358 and 2.3023. तो इसका क्या मतलब है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है. किसे सब्ट्रैक्ट करना है? इन दोनों के सम में से. तो आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके अंदर इन दोनों का हम सम फाइंड कर लेते हैं. सम ऑफ 29.358 एंड 2.3023. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वर्टिकली अरेंज करेंगे. 29.358 एंड 2. बस आपको इतना ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल हो, 2.3023. दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 3, 10 कैरी वन कर लेंगे, 5 + 1 = 6, 3 + 3 = 6, 9 + 2 = 11, 2 + 1 = 3. तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 31.6603, मीन 6603. अब हम इस पर बात क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो देखिए डिफरेंस ऑफ 43.875 एंड 53.9. तो इसके लिए हम क्या करें, एक बार आपने ये क्वेश्चन देखना है, फिर उसके बाद अपने रफ नोटबुक के ऊपर इस क्वेश्चन को खुद भी करके देखना है और आंसर मैच भी करना है, तब आपको जाके ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गए. तो अभी देखिए डिफरेंस ऑफ 43. तो सबसे पहले हम देखते हैं 53.9 और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 43.875. तो ये देखिए हम यहाँ जीरो यूज कर सकते हैं. तो 10 यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, फिर इधर रिमेनिंग 9 रहेगा, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यहाँ से कैरी लेने के बाद यहाँ 8 रहेगा, 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, फिर यहाँ 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा 10.025. अब हमें करना क्या है, जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें वो क्या है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ, इन दोनों के डिफरेंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम में से. तो हम इस पोर्शन को एक बार इरेज कर लें यहाँ से. अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, इन दोनों का डिफरेंस क्या था, 10.025 फ्रॉम द सम ऑफ दिस. तो इन दोनों का सम क्या है, 31.660. इन दोनों का डिफरेंस हमें अब फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम फ्रॉम के बाद क्या है, 31.660 जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 10.025 को. तो माइनस का साइन यूज करेंगे, यहाँ जीरो यूज कर सकते हैं, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेने के बाद 10, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, कैरी लेने के बाद यहाँ 5 रहेगा, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, फिर ये 6 एज इट इज 0.12. तो इसका जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4th का, वो होगा 21.6353. तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करना है. देखिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन. तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एमसीक्यूज हैं वो कर रहे हैं. 5, 6, 7 तीनों ही क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है. तो इसके जो 4 ऑप्शन है आपको उसमें से एक 1 को टिक लगाना होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है. तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे. तो देखो क्या स्टेटमेंट है, 213 + 2.013 + 0.213 + 2.0013, चारों को आपने ऐड करके बताने का आंसर होगा. तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए इसको हम वर्टिकली सेट करके 213 में कहीं भी डेसिमल दिखाई नहीं दे रही है, तो हम क्या लिखेंगे 213, जितने भी आपको जीरो की रिक्वायरमेंट है उतनी हम कर सकते हैं. तो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, इधर 4 है, तो आप 40 तक अरेंज कर सकते हो. यहाँ नेक्स्ट है 2.013, तो 013 यहाँ लिखेंगे और यहाँ एक जीरो लगा देंगे. इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास डेसिमल नंबर है वो है 0.213 और एक जीरो और हम यहाँ लगाएंगे. अब यहाँ देखो 2.0013. अब इन चारों को आप ऐड करके देखो क्या आंसर आता है, 3
फिर यहाँ पे सेवन, फिर इधर टू, फिर नेक्स्ट टू डेसिमल के प्लेस पे डेसिमल, थ्री प्लस टू सेवन एंड वन एंड टू। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो होगा 217.2273। तो आप अपने चारों ऑप्शंस में से ये भी चेक कर सकते हो कि हमारा कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट रहेगा। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या है सिंपलीफाई करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में सिक्स्थ क्वेश्चन का, तो 0.47 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.03 को। अब ये देखो 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो 0। तो आंसर होगा इसका 0.44। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, सी ऑप्शन इज राइट। तो आप सी ऑप्शन को टिक कर दोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन में देखो क्या स्टेटमेंट है, हमें कंपेयर करना है या तो लेस देन या ग्रेटर देन या फिर इक्वल, इन तीनों में से एक साइन यूज करना है। तो उसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे जब तक आप इसको सिंपलीफाई करके ये आइडेंटिफाई नहीं कर लेते कि इनमें से कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है या दोनों इक्वल है। तो इसके लिए आपको सिंपलीफिकेशन करना होगा। इसमें देखो ये है 15.7 और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6.44। तो आप सब्ट्रैक्ट करिए, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, फिर 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो इसमें से कैरी लेंगे 15, 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 9.3। अब इसके बाद देखो ये है हमारे पास 3.28 और इसके अंदर हमें ऐड करना है 5.91। 8 प्लस 1 क्या होगा 9, 2 प्लस 9 क्या होगा 11, कैरी 1 कर लेंगे, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9। तो इसका आंसर होगा 9.19। अब आपको इन दोनों में कंपेयर करना है, तो ये देखो डेसिमल से पहले क्या है 9 और इधर भी डेसिमल से पहले क्या है 9, बोथ आर सेम। तो अब हम दोनों को देख करके ये नहीं बता सकते कि ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है, तो क्या करना होगा हमें डेसिमल के जस्ट बाद वाला जो डिजिट है उसका कंपेयर करना है। तो देखो डेसिमल के जस्ट बाद क्या है 3 और इधर डेसिमल के जस्ट बाद क्या है 1, तो 3 इज ग्रेटर देन 1, सो वी कैन से 9.3 इज ग्रेटर देन 9.19। तो इन दोनों में जब हमने कंपेयर किया तो कौन सा साइन यूज करेंगे हम ग्रेटर देन का। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर 7 का बी है वो राइट होगा। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। तो चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो इस एक्सरसाइज का है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये होस्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की क्या स्टेटमेंट गिवन है, द फिगर ऑफ ए वुडन फ्रेम इज गिवन विद ए पिक्चर इनसाइड। तो देखो ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है ये एक वुडन फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर ये जो आपको इनसाइड दिखाई दे रहा है ये एक पिक्चर है, कोई एक फोटो है जो हमने इसके साथ पेस्ट की हुई है। तो अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो ये वुडन फ्रेम है इसकी लेंथ गिवन है 18.5 सेंटीमीटर और जो इसकी विड्थ है ब्रेथ जो है वो है 12.8 सेंटीमीटर। और इस वुडन फ्रेम के ऊपर एक इनसाइड में एक हमने एक फोटो पेस्ट किया हुआ है और इस फोटो की हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो गिवन नहीं है, बस इतना पता है कि जो ये फ्रेम के अंदर हमने ये फोटो पेस्ट किया है उसके बीच का जो डिफरेंस है जो विड्थ है वो 1.2 एवरी दे है, मतलब इस यहाँ से काउंट करोगे तब भी ये 1.2 है, इस तरफ से देखोगे तब भी ये डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर है और इधर से जब आप देखोगे तब भी ये 1.2 सेंटीमीटर है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पिक्चर। तो ये अंदर पिक्चर है इसकी हमें ये लेंथ भी बतानी है कितनी है और ये जो इसकी विड्थ है ये भी हमें बतानी है कितनी है, एंड हेंस द पेरीमीटर ऑफ द पिक्चर। बाद में आपको इस पिक्चर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब सम फोर साइड्स, वो भी बताना है इसका क्या होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम, जो वुडन फ्रेम है उसकी जो लेंथ गिवन है वो है 18.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ वुडन फ्रेम, जो वुडन फ्रेम है उसकी विड्थ है हमारे पास 12.8 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं विड्थ ऑफ गैप, जो इसके बीच में गैप है फोटो फ्रेम और फ्रेम के बीच, फोटो फ्रेम और जो पिक्चर उसके बीच में, तो विड्थ ऑफ गैप हमारे पास है 1.2 सेंटीमीटर।
अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ पिक्चर, तो आप ध्यान दीजिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आने वाली है लेंथ ऑफ पिक्चर। तो देखो ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है पिक्चर की और आपको गिवन लेंथ है 18.5 फोटो फ्रेम की, तो आप ये देख सकते हो इतना डिस्टेंस, कितना मतलब 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ से कम हो जाएगा और 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ से कम हो जाएगा, तो 1.2 मतलब 2.4 सेंटीमीटर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी पिक्चर की। तो इसलिए लेंथ ऑफ पिक्चर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम माइनस कर देंगे विड्थ को, एक विड्थ है हमारे पास 1.2, अब कुछ बच्चे 1.2 ही माइनस कर देते हैं, तो ये देखो ये विड्थ जो है 1.2 चारों तरफ सेम रहेगी, तो इसलिए 1.2 यहां से माइनस करना है और 1.2 यहां से माइनस करना है, मतलब दो बार आपको माइनस करना होगा। तो ये देखो 18.5 माइनस 1.5 और माइनस 1.5 दोनों ऐड हो गया हमने आगे 2.4, तो 18.5 में से 2.4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 को सबट्रैक्ट करेंगे 1 और 18 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे 16, तो हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी पिक्चर की वो हो जाएगी 16.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम ब्रेड फाइंड करेंगे या रिस्ट बोल सकते हो आप, ब्रेड ऑफ पिक्चर जो पिक्चर है उसकी ब्रेड के लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा, 12.8 में से माइनस कर देंगे 1.2 टू टाइम्स, तो यहाँ ये देखो ये होगा जो विड्थ है ब्रेड विड्थ ऑफ पिक्चर वो हो जाएगी 12.8 माइनस में 1.2 और 1.2 दो बार माइनस करेंगे ये हो जाएगा 2.4, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, तो ये जो इसकी विड्थ आएगी यहां से यहां तक ये हो जाएगी 10.4 सेंटीमीटर। अब हमारे से दोस्तों ने पूछा गया था लेंथ और विड्थ क्या है, तो लेंथ हमने बता दिया पिक्चर की है वो है 16.1 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो है 10.4 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ पिक्चर, जैसे जो पिक्चर है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है और रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 × L + B, 2 × L + B, 2 × L means length and B means width या फिर breadth बोल सकते हो। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी है तब भी आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स कर सकते हो, ये देखो ये साइड है 16.1 ये है 10.4, फिर जब हम हमें पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ये भी जो लेंथ है 16.1 ही आपको काउंट करनी होगी और यहाँ से इस ब्रेथ को भी आप 10.4 करोगे, फिर चारों को आप ऐड कर दोगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो अभी देखो 2 × length, length किसके इक्वल आई थी हमारी 16.1 और ब्रेथ किसके इक्वल थी 10.4। अब हम क्या करेंगे इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये देखिए पेरीमीटर हमें फाइंड करना था, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, 2 × L + B, तो लेंथ इज 16.1 एंड ब्रेथ इज 10.4, तो 16.1 को हम ऐड करेंगे 10.4 में, ये हो जाएगा हमारे पास 26.5 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 53 सेंटीमीटर। आप करके देख सकते हो 5 × 10, क्योंकि डेसिमल के बाद जो जीरो हो उसको हम हटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 53 सेंटीमीटर। ये 53 सेंटीमीटर क्या है, इस जो अंदर की तरफ एक फोटो फ्रेम फोटो पिक्चर लगी हुई है उसका पेरीमीटर है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटा, इसको आपने अच्छे से समझना भी है और फिर नोटबुक अपनी कंप्लीट भी करनी है और बाद में जब रिवाइज करोगे तो अपनी आप रफ नोटबुक के ऊपर स्टेटमेंट्स को लिखने के बाद खुद सॉल्यूशन करोगे और फिर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा देख सकते हैं। Thank you.